आओ बच्चों कहानी सुनो, अलादीन और जादुई चराग। बच्चों बहुत दिनों की बात है, अफ्रीका के जंगलों में एक जादूगर रहता था। एक दिन उसने जादू की खोपड़ी से उस जादू के चराग के बारे में पूछा जिसे हासिल करने के लिए वो बहुत दिनों से बेचैन था। अंतर मंतर छू छमंतर छोक छमाका छू, बताए जादू की खोपड़ी, क्या अब मैं वो चराग हासिल कर सकता हूं? मुझे कहाँ मिल सकता है? अलादीन, यहाँ से बहुत दूर चीन के छोटे से शहर में रहता है मुस्कुराकर अली का बेटा, गुरबत की जिंदगी गुजारता है। इतना सुनना था कि जादूगर अलादीन की तलाश में चल पड़ा। और आखिरकार जादूगर अलादीन के शहर पहुंच गया। तुम्हारा नाम अलादीन तो नहीं? जी है, मगर आप कौन है? बिल्कुल बिल्कुल वही शक्ल वही सूरत। बेटे मैं तुम्हारा चचा हूँ। वो मुस्तफा भाई कहाँ है? अब्बू, अब्बू को तो मरे हुए 3 साल गुजर चुके भाई, मेरे प्यारे भाई जान। बेटा तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मा अम्मा, देखिए चचा जान आए हैं। आदाब भाभी जान। मगर बेटा तुम्हारे अब्बा के तो कोई भाई नहीं थे, कभी सुना भी नहीं। क्या बताऊँ भाभी जान, आपकी शादी से 1 साल पहले की बात है कि मुझसे नाराज हो गए, कहने लगे आपसे मेरा कोई भाई नहीं, समझ लूंगा मर गया है, और फिर मेरे बारे में किसी से जिक्र तक ना किया। ताज्जुब है। खैर ये बातें छोड़िए भाभी जान, ये बताइए कि वो खाने के लिए क्या है? 2 दिन से तो कुछ भी नहीं खाया चचा जान। अम्मा किसी ने कपड़े सी ली तो कुछ खाने के लिए लाएंगे। अम्मा से काम करवाते हो तुम, कुछ नहीं करते। खैर खैर फिक्र ना कीजिए भाभी जान, मैं अलादीन के लिए एक परचून की दुकान लगवा दूंगा। लो बेटा इस वक्त तो ये पैसे लो और बाजार से अच्छी अच्छी खाने की चीजें ले आओ। ये क्या करते हैं? अरे वाह, मेरा कोई हक नहीं है आप पर, अलादीन पर। जाओ जाओ बेटे तुम जाओ। बेटे अलादीन, ये पैसे लो और बाजार से अपने लिए अच्छे अच्छे खिलौने ले आओ। अलादीन बेटे जल्दी करो, तुम्हारे और भाभी जान के लिए बाजार से नए कपड़े लाने हैं। और इस तरह जब जादूगर ने दोनों माँ बेटों के दिल जीत लिए, तो एक दिन जादूगर ने चराग हासिल करने के लिए अलादीन से कहा। अलादीन बेटे चलो आज जरा जंगल की तरफ सैर कराएं। चचा मैं तो बहुत थक गया, अब मुझसे आगे नहीं चला जा। अरे बस बेटे बस, थोड़ी दूर और। मेरे पैर दुखने लगे चचा जान। अरे वो देखो वो बेटा, वो बड़ा सा पत्थर नजर आ रहा है ना, मुझे
कुएं के ऊपर है। हाँ वही, बस वहीं तक तो जाना है। अब हिम्मत करो और इस पत्थर को हटा दो। ये तो बहुत भारी है, मुझे तो हिलेगा भी नहीं। अरे हिलेगा कैसे नहीं बेटे, इस पत्थर को सिर्फ तुम हटा सकती हो। चलो शाबाश, हिम्मत करो, शाबाश शाबाश। ये तो बहुत भारी है। हिम्मत करो बेटी, ताकत लगाओ ताकत, शाबाश शाबाश, जोर से थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। बहुत मुश्किल का काम है बेटे, जो काम तुम्हें करना है ना वो बहुत ही आसान है बेटा। अंदर तो बहुत अंधेरा है। अरे तुम्हारी जाते ही रोशनी हो जाएगी। ये बताओ तुमको सीढ़ियां नजर आ रही हैं? जी हाँ। बस तो फिर हिम्मत करो और नीचे उतर जाओ। आप भी चलिए, मुझे अकेला डर लगता है। आ, 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 अच्छा ये करो, ये अंगूठी रख लो, कोई मुसीबत पड़ी तो काम आएगी। लो लो शाबाश। मगर चाचा जान। अलादीन बेटे, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारा हर काम करता हूँ, क्या तुम अपने चाचा का एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? अच्छा फिर बताइए मुझे क्या करना है। बस सीढ़ियों को गिनते हुए जाना है, 17 सीढ़ियों के बाद दाहिने हाथ की तरफ एक दरवाजा आएगा जो तुम्हारे पहुँचते ही खुद बहुत खुल जाएगा और तुम एक बाग में पहुंच जाओगे। वहां बहुत सारे परिंदे तुम्हें खुशाम देख देंगे, अपनी तरफ बुलाएंगे, मगर तुम किसी की तरफ ध्यान न देना, बस सीधे चल के जाना। 17 कदम के बाद एक और दरवाजा मिलेगा, तुम उससे दाखिल होकर एक और बाग में पहुंच जाओगे। वहां हीरों की बनी हुई एक मेज मिलेगी जिस पर एक चिराग जल रहा होगा, तुम उस चिराग को बुझा देना और उसे लेकर सीधे कुएं के बाहर चले आना। चचे जान मुझे बाहर निकालिए, मैं चिराग ले आया हूँ। नहीं बेटे नहीं, पहले मुझे चिराग दे दो, फिर अपने दोनों हाथों की मदद से खुद ही बाहर आ जाओ, जल्दी करो। ये क्या सुल्तान आजम शिकार खेलते हुए इस तरफ तो नहीं आ निकले? जल्दी कर कम्बा, चिराग मुझे दे दे। मुझे निकालिए तो सही, इतने जालिम न बनिए। अरे कौन चचा, किसका चचा, मजदूर मुझे जालिम कहता है जानता नहीं, मैं अफ्रीका का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। जल्दी कर कम्बा, मैं चिराग की खातिर अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। सुल्तान के सिपाही नहीं मारे जा रहे हैं, जल्दी कर। मैंने अगर दरवाजा बंद कर दिया तो सारी उम्र से कोई और नहीं खोल सकेगा। अपनी जिंदगी बात नहीं आ तो फिर ले, अंदर बंदर छू समंदर चौक चबा का छू। इस तरह सारा दिन और सारी रात गुजर गई, लेकिन गार से बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं। एक बार जब अलादीन को सर्दी लगी और उसने अपने हाथ मलने शुरू किए तो जादूगर की दी हुई अंगूठी को रगड़ लगी। जिसके पास ये अंगूठी होगी मैं उसी का गुलाम होगा। गुलाम भाई, आपको कौन कौन से काम कर सकते हैं? सारे काम मालिक, आप हुक्म कीजिए, गुलाम हाजिर है। अच्छा तो गुलाम साहब, क्या आप मुझे मेरे घर पहुंचा सकते हैं? अम्मा परेशान हो रही होंगी।
अभी दीजिए मालिक। अलादीन मेरे बेटे कहाँ चले गए थे, कहाँ रह गए थे? सब बता दूंगा अम्मा, सब बता दूंगा। पहले ये बताइए खाने के लिए क्या है? बहुत जोर की भूख लग रही है। कुछ पुराने बर्तन पड़े हैं, उनको बेचकर देखती हूँ, जो मिलता है ले आती हूँ। अम्मा इस चिराग को साफ करके देखिए, शायद इसके ज्यादा दाम मिल जाए। अच्छा बेटा लाओ। और ये कहकर जूही माँ चिराग को रगड़कर साफ करने लगती है। जिनको देखकर माँ बेहोश हो जाती है और चिराग उसके हाथ से गिर जाता है। मांग क्या मांगता है बताओ, मैं तेरी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो क्या आप इस चिराग के जिन हैं? जी मालिक, जब रगड़ो के हाजिर हो जाऊंगा। बताइए क्या हुक्म है? अच्छा तो जिन साहब, पहले आप मेरी अम्मा को तो होश में लाइए, फिर कुछ खाने के लिए चाहिए, बहुत जोर की भूख लग रही है। अभी लीजिए सरकार। ये रहे हिरन के कबाब, भुने हुए तीतर, मुर्ग सलम, पुलाव सरदा, और मां नरगिसी कोफ्ते, फिरनी शाही टुकड़े। देखो बेटा देखो, ये सारे बर्तन, चमचे, ग्लास, सुराही, ये सब सोने के हैं। अब तो हमारे दिन फिर गए। हाँ माँ हाँ, मैं इनको बेचकर एक अच्छा सा कारोबार कर लूंगा। और बेटा हम एक छोटा सा नया घर भी बनवा लेंगे। अलादीन अब जवान हो चुका था, बहुत ही खूबसूरत और हसीन। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ दुकान से वापस आ रहा था कि यकायक रास्ते में एक शोर कैसा है, किसकी सवारी? किसकी सवारी थी दोस्त? मैंने इतनी हसीन लड़की आज तक नहीं देखी। तुम नहीं जानते, सुल्तान आजम की साहबजादी हुस्न मारूं थी। न जाने कौन खुश नसीब होगा जिसका घर दुल्हन बनकर जाएगी। सुल्तान आजम लालची आदमी है, कीमती तोहफे तहाई भेजो, शायद मान ही जाए। अम्मा अम्मा अम्मा, क्यों चिल्ला रहे हो? अम्मा मैं सुल्तान आजम की बेटी हुस्न बानो से शादी करना चाहता हूँ। बेटे वो बादशाह है, उनसे हमारा क्या रिश्ता? नहीं अम्मा, सुना है सुल्तान आजम का असल रिश्ता दौलत से है। जरा मेरा चिराग तो लाइए। अलादीन चिराग को रगड़कर जिन को बुलाता है। मालिक, सुल्तान आजम को तोहफे में देने के लिए मुझे कीमती हीरे और जवाहरात चाहिए। बस या और कुछ? दरबार में जाने के लिए बेहतरीन इंतजाम। अभी लीजिए मेरे आका। तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए, खातून फरमाइए। सुल्तान आजम, मेरे बेटे अलादीन ने आपकी खिदमत में ये मामूली तोहफा भेजा है। थाल से कपड़ा हटा दिया जाए। आप इन्हें मामूली कहती हैं,
मामूली कहती है खातून, ये तो बहुत कीमती है, बहुत कीमती। आपका लड़का अलादीन तो बहुत अमीर आदमी मालूम होता है। क्या करता है इन तोहफों के बदले मुझसे क्या चाहता है, बताइए। गुस्ताखी माफ सुल्तान आजम, आपकी साहबजादी शहजादी हुस्न बानो से शादी करना चाहता है। अच्छा अगर वो इतना ही अमीर है तो जरूर शादी कर सकता है, मुझे मंजूर है। ऐलान कर दिया जाए शहजादी हुसन बानो की शादी क्या नाम था अलादीन से होगी। दरबार में हाजिर होते हैं। तशरीफ लाइए अस्फंदियार सानी, तशरीफ लाइए, फरमाइए। मैं आपकी साहबजादी के हुस्न की तारीफ सुनकर आया हूँ सुल्तान आजम, और शादी की दरखास्त के साथ ये कीमती ताहिफ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। थाल से कपड़ा हटा दिया जाए। सुभान अल्लाह ये तो वाकई बहुत ही कीमती है। शादी मुझे मंजूर है ऐलान कर दो। सुनो सुल्तान आजम की साहबजादी शहजादी हुस्नबानो की शादी अलादीन से नहीं बल्कि अरब सौदागर अस्फंदियार सानी से होगी। अम्मा ये तो वाकई बड़ा लालची निकला, आप जरा इससे पूछे तो सही कितनी दौलत चाहिए इसे, शादी की शर्त क्या है। शर्त ये है खातून कि अगर आपका बेटा अलादीन 7 दिनों के अंदर अंदर हमारे महल के सामने इससे भी ज्यादा आलीशान महल बनवा सके तो फिर हम हुसन बानो की शादी जरूर अलादीन से कर देंगे, समझ गए? 7 दिन के अंदर अंदर। सात दिन क्या अम्मा, मैं कल सुबह ही महल तामीर करवा दूंगा, मेरा चराग तो लाइए। हुक्म कीजिए मेरे आका। कल सुबह सूरज निकलने से पहले सुल्तान आजम के महल के सामने एक ऐसा आलीशान महल मौजूद होना चाहिए जिसे देखने के बाद सुल्तान आजम शादी से इनकार न कर सके। ये कौन सी बड़ी बात है मेरे बारे? इतना आलीशान महल हुसन बानो देखो तो अलादीन ने तुम्हारे लिए कितना आलीशान महल बनवा दिया। अरे कोई है शादी की तैयारियां की जाए और निकाह के बाद 3 दिन तक फकीरों में खाना तकसीम किया जाए। आगे बढ़ो। अरे दूसरों को आने दो, आगे बढ़ो, आगे आओ लो चलो। क्या बात है, किस खुशी में खाना बांट रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं शहजादी हुस्न बानो की शादी एक बहुत ही अमीर आदमी अलादीन से हो गई है। वो इतना अमीर है कि उसने एक ही दिन में एक आलीशान महल बनवा दिया। यकीनन ये वही अलादीन है
और इसके पास जादुई चिराग भी मौजूद है। चिराग हासिल करने की तरकीब सोचनी चाहिए। आ गई जहन में तरकीब आ गई, जहन में तरकीब आ गई। शहजादी हुसैन बानो, आपने कुछ सुना? हाँ गुलबदन, हम सोचते हैं कि तुम्हारे मालिक का ये पुराना चिराग देकर नया चिराग ले लें तो तुम्हारे मालिक वापस आकर कितना खुश होंगे। लो बाबा ये चिराग लेकर मुझे एक नया चिराग दे दो। अगर तू कहे तो मैं इसके बदले तुझे अपने सारे चिराग दे सकता हूँ। अब मैं चखाता हूं तुझे इसका पसा। क्या हुक्म है मेरे मालिक? अलादीन के महल को शहजादी समेत अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा दो जल्दी। जो हुक्म मालिक। कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। मेरी बेटी कहाँ है? महल में होंगी। महल? महल? अबे महल कहाँ है? हैं? महल तो नहीं है सुल्तान आजम, यकीनन ये उसी की शरारत होगी। जिसकी भी शरारत हो कान खुलकर सुन लो, तुम्हें 7 दिनों की मोहलत देता हूँ। अगर मेरी बेटी वापस ना आई तो मैं बहुत बुरा सलूक करूँगा, समझे? अलादीन समझ तो गया था कि ये उसी मक्कार जादूगर की चाल थी, मगर वो बेचारा कैसे उसे तलाश करे, कहां जाए? भूखा प्यासा घोड़े की पीठ पर बैठा जंगल जंगल सहरा सहरा की खाक छानता रहा, मगर कोई निशान नजर नहीं आया। एक बार जब उसे बहुत प्यास लगी तो वह एक चश्मे के पास बैठकर दोनों हाथों को जोड़कर पानी पीने लगा। यकायक उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी, उसने उसे फौरन रगड़ा। क्या मांगता है? मांगना क्या है भाई, हुस्न बानो मेरा महल मुझे वापस ला दो। माफी चाहता हूँ मालिक, मैं अंगूठी का जिन हूँ, चराग के जिन हमारे सरकार हैं। महल और हुस्न बानो को वापस लाना मेरे बस से बाहर है। तुम मुझे महल तक तो पहुंचा सकते हो? अभी लीजिए मालिक। हुस्न बानो मेरी मलिका। अलादीन, अलादीन। वो मक्कार जादूगर कहाँ है? आहिस्ता बोलो, सो रहा है। अच्छा ये लो, ये जहर मैं अपने साथ लेता आया था, रात को खाने के बाद शरबत में मिलाकर उसे पिला देना। ये शरबत नहीं लिया आपने? नहीं नहीं, ख्वाहिश नहीं हो रही। मैंने अपने हाथों से बनाया था, क्या आप मेरी खातिर भी ना पियेंगे? इतने प्यार से कहोगी तो शरबत तो क्या, मैं जहर का प्याला भी पी सकता हूँ। बना, आ, सब जान मिला दिया।
शुक्र है मर गया। चराग कहाँ है? चराग उसकी कमर से बंधा होगा। जल्दी करो अलादीन, अभी जान बाकी है उसमें। हाँ, मिल गया मेरा चराग, मेरा दोस्त। मालिक न कहो दोस्त, कहो मेरे यार। मैं मजबूर था मालिक, मैं जानता हूँ। अब यूं करो, इस महल को जहाँ से उठाकर लाए थे वहीं पहुँचा दो। अभी लीजिए सरदार। ऐसा ना कहिए सुल्तान आजम, आप मेरे बुजुर्ग हैं। अलादीन अपनी माँ के कहने पर अंगूठी और चराग को आग की भट्टी में डालकर दोनों जिन्नों को आजाद कर देता है। और इस तरह तमाम लोग हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगते हैं।